खबर रीवा जिले से है, जहां मऊगंज विधानसभा क्षेत्र में विकास के मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार भाजपा सरकार और मऊगंज विधायक पर हमलावर और उस पर सवाल खड़े करने को लेकर भाजपा विधायक प्रदीप पटेल ने अपने आवास में पत्रकार वार्ता के दौरान विपक्ष को आड़े हाथ लिया है और उसे मुद्दा विहीन राजनीति के द्वारा अस्तित्व बचाने की कोशिश बताया है। मऊगंज विधायक ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा मऊगंज को मिली बड़े विकास योजनाओं का क्रियान्वयन विरोधियों को हजम नहीं हो रहा है, जबकि डेढ़ वर्ष प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ की सरकार थी, तब ये अपने विकास के मुद्दों पर चुप्पी साध रखी थी। अब जब मऊगंज में विकास कार्यों को गति मिली तो इन्हें वह हजम नहीं हो रहा है। इसलिए आंदोलन मऊगंज जिला बाणसागर पानी को लेकर धमकी दी जाती है, जबकि उनके द्वारा शासन स्तर पर इस पर काम शुरू है और 15 अगस्त 2023 को मऊगंज जिला में ध्वजारोहण होगा। मऊगंज विधानसभा क्षेत्र के हर घर को अब जल जीवन मिशन के तहत पानी मिलेगा, जिसके लिए क्षेत्रीय विधायक के प्रयासों से शासन द्वारा करोड़ों रुपए मंजूर किए गए हैं, जिसका टेंडर भी हो चुका है और कार्य अब शुरू होने वाला है। तो वहीं मऊगंज विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले समय में 200 के लगभग छोटे बड़े इंडस्ट्री उद्योग लगाने का प्लान मूर्त रूप ले चुका है, जिसके लिए मऊगंज के माछखोहर सहित बटेहरा गांव की सैकड़ों एकड़ भूमि कलेक्टर रीवा द्वारा उद्योग विभाग को स्थानांतरित की गई है, जहां सड़क बिजली पानी की व्यवस्था करने की भी निर्देश दिए गए हैं। यहां छोटे बड़े उद्योग लग जाने से करीब 10,000 बेरोजगारों को रोजगार मिलने की संभावना है। मऊगंज के क्षेत्रीय विधायक प्रदीप पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि मऊगंज क्षेत्र में उद्योग स्थापित होने से जहां बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, वहीं उद्योगों द्वारा आने वाले टैक्स से मऊगंज जिला को संबल भी प्रदान होगा। वहीं व्यापारियों को साथ में लेकर नगर के सौंदर्यीकरण में डिवाइडर युक्त सड़क नाली व नगर को जगमगाने के लिए प्रकाश व्यवस्था पर काम शुरू है। देखिए, ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको जिला बनाने के लिए बोला है, तो ये मान के चलिए कि वो मुख्यमंत्री इसको जिला बनाएंगे और अभी उसकी तैयारियां भी चल रही हैं। अभी यहाँ पे कलेक्ट्रेट से ये भी पूछा गया है कि यहाँ पे कौन कौन सी बिल्डिंगें खाली हैं, आप लोगों के भी शायद संज्ञान में आया होगा, तो वो सब तैयारियाँ चल रही हैं, कौन कौन से गाँव कहाँ कहाँ से लिए जाएँगे, प्रशासनिक तरीके से इसकी व्यवस्था चल रही है। अब कुछ लोगों को व्यवधान करना है, कुछ लोगों को लगता है कि जिला ना बने, ऐसा नहीं होगा, जिला बनेगा। ये वो लोग हैं जो जिला ना बनाने वाले लोग हैं। मुझे ध्यान है कि जब मैं विधायक नहीं था, इसके पहले जो विधायक थे, उन्होंने यहाँ पर बोला था कि मैं 5 साल शिवराज सिंह चौहान को यहाँ उतरने नहीं दूंगा। शिवराज जी उतरेंगे नहीं, मुख्यमंत्री यहाँ उतरेंगे नहीं, तो घोषणा क्या करेंगे? और फिर वही लोग जब उनकी सरकार 15 महीने आई तो एक बार जिला की आवाज़ नहीं उठाए, एक बार नहीं उठाए। मैहर में जिले की घोषणा कांग्रेस के समय में होती है, जबकि वहाँ भी भाजपा का विधायक था। भाई, यहाँ भी भाजपा का मैं विधायक था तो क्यों नहीं जिला की घोषणा करवा ली साथ में? तो ये कच्चे मन के लोग हैं, खुद ही असमंजस के लोग हैं, इसलिए इनको लगता है कि भाई साल में एक आध दो प्रदर्शन कर लो ताकि लोग बोलें कि हाँ भाई विपक्ष कुछ कर रहा है, इसलिए ये करते हैं। बाकी इनका कोई लक्ष्य नहीं है, कुछ लक्ष्य नहीं है, सिर्फ व्यवधान करना इनका लक्ष्य है और कोई लक्ष्य इनका नहीं। मतलब रोड़ा अटकाने की, केवल रोड़ा अटकाने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। माने ये किसी का भला नहीं चाहते। अभी मुझे किसी ने बताया कि वो अभी NFCI के लोगों ने कोई शायद गहरा उराव किया, मुझे किसी ने बताया कि उसमें 9 बच्चे परीक्षा देने से 1 घंटे लेट हो गए महाविद्यालय। अब बच्चों के भला नहीं कर रहे हो, तो ऐसा काम, यानी विरोध ये करते नहीं है, दिखाना चाहते हैं कि हाँ हम विरोध कर रहे हैं, बाकी क्रिएटिविटी नहीं। मैं जब 15 महीने की कांग्रेस की सरकार रही है तो कई 1,000 क्विंटल धान खरीदी केंद्र में रखी रही, किसान समय से 20 दिन पहले आ करके वहाँ धान रख दिया, 20 दिन तक उसकी धान खरीदी नहीं गई और अंत में बोल दिया गया तुम्हारी डेट निकल गई। मैं 4 दिन धान खरीदी केंद्र के अंदर कमरे में बंद रहा, कोई रोड में चक्का जाम प्रदर्शन नहीं और आंदोलन गर्म रहे, और उस 4 दिन में
एक भी कांग्रेस का लीडर ये नहीं बोला विपक्ष का आदमी कि भाई हम सरकार में हैं धान बिक जाए, तो ना ये किसान के हैं, ना विद्यार्थियों के हैं, ना किसी के हैं, ना ये व्यापारी के हैं, ना ये आम जनता के हैं। तो विरोध मऊगंज में थोड़ा सा लोगों को रोज़गार देने के लिए यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप, अभी MSME को भी ज़मीन मिल गई है, इंडस्ट्रियल एरिया को ज़मीन मिल गई है, जो ज़मीन इंडस्ट्रियल को 450 एकड़ मिली उसका सीमांकन हो गया, पूरी टीम वहाँ पर लग करके और उसकी नाप जोक हो गई, उसको इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने अपने पजेशन में भी ले लिया, उसका प्रपोजल भी चला गया है। अगर ये हमारा सारा कुछ उसमें आपने देखा हो, जहाँ MSME बननी वहाँ रोड की बात आई, अपन ने उसके रोड के लिए भी प्रपोजल बना दिया, अगर यह हमारा ही सारा डेवलप हो जाता है तो लगभग 200 के आसपास छोटी बड़ी इंडस्ट्रियां यहां पर लगेंगी, और उस इंडस्ट्रियल एरिया के डेवलप हो जाने के बाद लगभग यहां से 10,000 से लेकर के 20,000 तक के लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा, जो हमारे मऊगंज के को सबल और मजबूत बनने के लिए सबसे बड़ा स्ट्रांग जो चीज़ होगी वो ये होगी। उसको लेकर के हमारे मऊगंज का एक इनकम भी जनरेट होगी, टैक्स पे होंगे इंडस्ट्री टेम, सरकार को भी उस पर टैक्स पे होंगे, और उसी टैक्स पे से हमने जो मऊगंज को ज़िला बनाने की वो योजना बनाई है कि ये हमारा मऊगंज का ज़िला बने, और यहीं की इनकम से हमारे मऊगंज को एक इनकम सरकार को जन, जिले को मजबूत आधार देने के लिए ये जरूर ये प्रयास है, तो उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं, और उसके लिए अभी इलाहाबाद में मिस्टर मीट हुई, हमारे इंदौर में भी, वहाँ पे भी हमारे यहाँ के जो ये था ये ब्रोशर्स में गया था, मऊगंज के इंडस्ट्रियल एरिया भी वहाँ के ब्रोशर्स में था कि कोई उसमें इन्वेस्ट करने वाला इसको भी दे सकते, तो जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया के प्रोजेक्ट थे वो सब वहाँ गए थे। अभी बनारस में भी लगने वाला, वहाँ भी हम हमारे यहाँ से विभाग की टीम जा रही, इलाहाबाद में हो आए, वहाँ कुछ लोगों ने हमारे यहाँ प्रपोजल भी दिया है कि हम मऊगंज में लगाना चाहते हैं, तो इस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं, सरकार भी प्रयास कर रही है, मुझे लगता आने वाले समय में इंडस्ट्रीज यहाँ आ करके और उद्योग लगाएंगे। मऊगंज के डेवलपमेंट को लेकर के शुरू में 15 महीने हम सरकार में नहीं रहे, तो उस समय धरना वगैरह देने का काम करके बहुत सारे काम कराने का काम शुरू हुआ, प्रयास किया गया। दूसरा, आपने देखा होगा कि मार्च 2020 से लेकर के पूरा 20 और पूरा 2021 और 22 के शुरू तक लगभग कोरोना का कार्यकाल रहा, जिसमें पूरा प्रदेश नहीं, पूरा देश नहीं, बल्कि पूरा विश्व उस कोरोना की महामारी से जूझता रहा, और हमें इसमें सफलता मिली, और आज इस कोरोना के टीका के कारण हमारे देश का, प्रदेश का और हमारे क्षेत्र की जनता आज उससे सुरक्षित हो गई है। अब रहा इस समय के कार्यकाल में, तो आपने देखा है कि जो 4-5 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, पहला है मऊगंज में पानी का अभाव है, आपने देखा हो पीने के पानी का भी यहाँ इतना संकट है कि बोर होते हैं तो 3-3 बोर बिल्कुल ड्राई निकल जाते हैं, और इसलिए बहुत बड़ी सफलता मिली है माननीय प्रधानमंत्री जी का जो जल जीवन मिशन का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश ने एक प्रस्ताव भेजा सरकार को कि जिसमें पूरे हरमना या मऊगंज विधानसभा क्षेत्र में मऊगंज का भी हरमना का भी सारे गाँव को पानी पीने का देने के लिए, और उसके लिए एक प्रपोजल बना, और उसका 1800 करोड़ का टेंडर हो गया, पहला टेंडर, दूसरा टेंडर जनवरी में हो गया, तीसरा वित्तीय टेंडर और होना बाकी है, उसके बाद टेंडर खुलेगा और ठेकेदार आके काम करें। इसमें हमें बाण सागर का पानी मिल गया है पीने के लिए।